कुछ मीडिया पे कुछ चीज़ें आई थी, उस वजह से ज़ाती तौर पे वो बहुत परेशान थे, बड़े डिसार्ड थे। बल्कि परसों की बात है, मैं इस्लामाबाद में था तो जावेद ने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब रो रहे हैं। हाँ, उनके इस टाइम जो वारिस हैं सर, उनकी एक बेटी है दुआ, जिसको अपने हाथों में पाला है, और एक अहमद है बेटा उनका, वो इंग्लैंड में होता है। हालांकि इन दोनों का कहना शायद मुनासिब है, यानी इन दोनों की कफालत ये खुद ही करते थे। हम तो अपने सिस्टम के लिए आए थे कि पैसे लेके डीजल एक पेट्रोल डालें, दूसरा मैं डॉक्टर साहब को उठाऊं तो हम इस्लामाबाद निकलें। मैं फ्रेश हो गया, मैंने कहा एक तो शावर ले लेता हूँ। तो अंदर आए हैं तो साहब पहले बाहर सोफे पे सोए हुए थे, जब अंदर गए तो अंदर देखा तो डॉक्टर साहब सोफे पे पड़े हुए, तो टांगे नीचे, तो ऐसे मतलब जैसे वो सोफे पे आदमी लेट सकता है। तो हमने हलाया, पानी मेरे पास बोतल की थी, मैं उस टाइम पानी पी रहा, मैंने पानी छिड़का ऊपर, सबको हलाया, क्योंकि मेरा उस टाइम खुद इतना तेज़ था ना हार्ट बीट, तो मैं किसी को चेक नहीं कर सकता मैं, बल्कि एक दो बंदे फिर बाहर से काफ़ी लोग आ गए। अच्छा। लेकिन फिर भी हमने कहा एम्बुलेंस बुलाते हैं, हॉस्पिटल तो लेके जाए ना, जो भी आगे प्रोसेस होता है वो करें। फिर आपने एम्बुलेंस को कॉल की? एम्बुलेंस को कॉल मतलब मैंने तो नहीं की, हमारे बीच में से किसी ने, तो फिर एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस आने के बाद फिर हम लोगों ने स्ट्रेचर पे उठाया, काफ़ी 10-15 लोग थे। तो बेटी से हो चुका है, ठीक है, बेटी पहुंचने वाली है, उनका ख़ानदान सिर्फ 2 बंदों